बड़ी भूमिका रही है, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका उनका स्वागत किया उनकी बेटी प्रतिभा अडवाणी ने, और प्रधानमंत्री ने जाकर फिर लाल कृष्ण अडवाणी का स्वागत किया, उनको फूलों। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या यूं कहें वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। उनकी बेटी प्रधानमंत्री के ठीक पीछे पीछे आपको चलती हुई दिख जाएंगी। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करके उन्होंने एक फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया है। हर बार यानी 2014 की जीत, फिर 2019 की जीत और अब 2024 की जीत, हर जीत के बाद सरकार बनाने से पहले नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने और मुलाकात करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी से पहुंचते हैं। मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उसी भेंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो प्रोटोकॉल होती हैं, सरकारी होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो परंपरा बन जाती हैं, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट करने के लिए पहुंचे। 2014 में जब चुनाव हुए थे, तमाम बातें विपक्ष की तरफ से तब की गई थी, तब एक मार्गदर्शक मंडल की बात होती थी। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार कमेटी का नेतृत्व सौंपा गया था नरेंद्र मोदी को, उस समय से ही पार्टी के भीतर भी कई तरह की बातें हुई और एक टकराव की बात भी कही गई। लेकिन 14 के चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट करने, उसके बाद से ही और हर अहम मौके पर भी, हिमांशु हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हिमांशु प्रधानमंत्री की तरफ से सम्मान में कमी होती नहीं है जब भी लाल कृष्ण आडवाणी की बात आती है, और भले ही एक प्रतिस्पर्धा की बात 14 में कर दी गई, लेकिन 10 साल बीत चुके हैं और परंपरा की ये तस्वीरें हम देखते रहते हैं। देखिए बिल्कुल 10 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए, लेकिन 10 सालों में कोई ऐसा मौका नहीं गया, जब भी उनको मौका मिलता है लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका स्नेह लेते हैं, चाहे उनका जन्मदिन हो या कोई ऐसा मौका जब लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने का हो तो वो छोड़ते नहीं है। और लाल कृष्ण आडवाणी से आप देखिए कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने हो या 19 में या आप बनने से पहले, आज जब वो एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, उसके बाद वो है सीधा लाल कृष्ण आडवाणी के घर गए हैं, वहां उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वो बहुत स्नेहपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगठन में संगठन मंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको गुजरात से लेके आए। लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी रथ यात्रा के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक सारथी के तौर पर रहे, और उसका उनको जो है एक तरीके से कहा जाए तो उनको लाकर सेंटर की राजनीति में लाने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के लिए कहा जाता है कि संगठन को गढ़ा है, संगठन में दूसरी पीढ़ी के नेताओं को बढ़ाने का काम जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, शिवराज सिंह चौहान, अनंत कुमार, ये तमाम वो नेता हैं, सुशील कुमार मोदी या मनोहर पारिकर, उनको आगे लाने का काम और अलग अलग तरीके से उनको गढ़ने का काम करने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और आप देखिए कि उनके एक जो कहें कि राजनीतिक तौर पर जो उनके शिष्य हैं वो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है। तो एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बड़ा भावुक क्षण होगा कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर रहे हैं उनके वो शिष्य राजनीति के, जिन्होंने उनको संगठन में ला के गढ़ा, दिल्ली लेकर आए थे गुजरात से अपनी रथ यात्रा के बाद, और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी संगठन के अंदर, उनको कई राज्यों का प्रभारी बनाया, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के मंत्री के तौर पर बड़े काम किए, सरकार बनाने के काम किए। आप याद कीजिए कि सुखराम के साथ जब कांग्रेस से टूटे थे तो उनके साथ हिमाचल में सरकार बनाई, हरियाणा में बंसीलाल के साथ सरकार बनाने का काम जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संगठन मंत्री के तौर पर जो है प्रदेश प्रभारी के तौर पे किया था, तो उन्होंने कई बार जो है उनको अवार्ड मिले उसका उन्होंने बिल्कुल ये कहें कि एक संगठन के तौर पर बड़ा एक्सपोजर लिया और उस एक्सपोजर का ही फायदा उनको गुजरात के अंदर मिला जब वो मुख्यमंत्री बन के गए। 12.5 साल के करीब जो है उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कई ऐसे काम किए जिसको लालकृष्ण आडवाणी ने खुले मंचों से सराहाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात को एक अलग रफ्तार के साथ बढ़ाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और उसी कारण अगर आप देखेंगे तो जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लालकृष्ण आडवाणी से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके जिस तरीके के स्नेहिल रिश्ते हैं वो उसको हमेशा प्रभाषित करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि संगठन में उनके लिए अगर सर्वोपरि है तो वो नेता जिन्होंने उनको गढ़ा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी हो।